स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बानसूर। चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करते हैं। बिफोर दैट वी वर डिस्कस्ड अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। आज हम हमारा अगला कंपोनेंट डिस्कस करेंगे एंड दैट इज विटामिन। ओके, सो व्हाट आर विटामिन्स? तो विटामिन्स को देखिए, हम कहते हैं दे प्रोटेक्ट अवर, और वी कैन से दैट प्रोटेक्टिंग फूड because they protect us from diseases। वो हमें किन से बचाते हैं? डिजीजेस, यानी बीमारियों से बचाते हैं बेटा। ओके, तो आप एक तरह से कह सकते हो दे फाइट विद द जर्म्स। जो भी जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं उनसे फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। अब देखिए, विटामिन जो है वो जनरली फाइव कैटेगरीज, फाइव टाइप्स के विटामिन होते हैं। विटामिन ए, ओके, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई ऑल्सो। बट आपकी क्लास में हम मेनली 4 विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? देखिए, विटामिन ए है, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर गुड आई साइट। विटामिन ए की किस लिए जरूरत है? गुड आई साइट के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इज दैट क्लियर? उसके बाद विटामिन बी है, इट इज एसेंशियल फॉर आवर बोन्स एंड मसल्स। इट इज एसेंशियल फॉर आवर बोन्स एंड मसल्स। इट इज एसेंशियल विटामिन सी। ओके, विटामिन सी किस लिए जरूरी है? फॉर आवर स्ट्रॉन्ग टीथ। और विटामिन डी इज ऑल्सो अगेन एसेंशियल फॉर आवर बोन्स। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखिए, अगर आप विटामिन ए नहीं खाएंगे, जैसे स्पेशली विटामिन ए का जो रिच सोर्स ऑफ फूड है दैट इज कैरेट, ठीक है? कैरेट के अलावा टोमेटो वगैरह भी आप खा सकते हैं इसमें, अंडरस्टैंड। विटामिन बी की बात करें तो इसमें आपके सीरियल्स ही आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मांस में बात करें तो लीवर है, उसके अलावा आपका सॉरी वीट है। ओके, यानी सीरियल्स आप लिख सकते होल ग्रेन्स। ओके, स्ट्रॉन्ग टीथ, इसमें बात करें तो जो भी विटामिन सी है वो सारे सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स की का क्या मतलब बेटा? जो भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, जैसे लेमन है, ऑरेंज इज देयर एंड स्पेशली आंवला, जिसको आप गूसबेरी बोलते हो। आंवला इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, सॉरी, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। इज दैट क्लियर? विटामिन डी, वैसे विटामिन डी देखिए मिल्क से भी मिलता है, बट सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सुबह की मॉर्निंग की धूप में 1-1.5 घंटे बाहर बैठते हैं तो विटामिन डी आपको सनलाइट से मिल जाता है। सनलाइट के अलावा इसमें मिल्क है। इज दैट क्लियर? तो ये है विटामिन बेटा। विटामिन को हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिंग फूड कहते हैं, क्योंकि हमें डिजीज से बचाता है। ओके, और विटामिन जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं स्ट्रॉन्गली, जैसे विटामिन ई और के भी हम डिस्कस करते हैं, बट आपकी बुक में इतना डिटेल नहीं है। तो विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर गुड आई साइट, विटामिन बी इज एसेंशियल फॉर हेल्दी बोन्स, ओके, विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। आपने कई बार देखा होगा ना कि कुछ बच्चे जब ब्रशिंग करते हैं तो उनके जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो विटामिन सी की कमी से होता है। ओके, ब्लीडिंग जो होता है, तो स्ट्रॉन्ग गम्स के लिए भी आप कह सकते हो कि जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। विटामिन डी बोन्स के लिए, और विटामिन डी सबसे बड़ी बात है कि विटामिन डी सनलाइट से हमें मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप 5-7-10 मिनट आधे घंटे सुबह मॉर्निंग की धूप में बैठे, ये नहीं कि आफ्टरनून में जाके खड़े हो गए पता लगा पूरा शरीर पसीनों में नहा लिए, तो वो वाला नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है? सनलाइट मॉर्निंग, जो अर्ली मॉर्निंग वाली सनलाइट होती है उसमें थोड़ी देर बैठेंगे तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। ओके, और मिल्क से भी विटामिन डी मिलता है। इज दैट क्लियर? तो ये था बेटा विटामिन के बारे में। विटामिन क्या करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके, डिजीज से। अब इसी में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा फाइबर्स के बारे में, ठीक है? किसके बारे में डिस्कस करेंगे? फाइबर्स के बारे में। यानी इसके अलावा देखिए, हमारे 4 फूड कॉम्पोनेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है। अब हमारे जो फूड कॉम्पोनेंट आते हैं वो है रफेज एंड वाटर। रफेज को फाइबर्स भी बोलते हैं, और नेक्स्ट है वॉटर एंड मिनरल्स, ठीक है बेटा? तो
ये और फूड कंपोनेंट्स हमारे बचे हुए हैं। देखिए पहली बात आती है रफीज की, तो रफीज क्या होता है बेटा? रफीज क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। जनरली आपने कभी सुना होगा सलाद वगैरह हम खाते हैं, ठीक है? तो रफीज का जो मेन काम होता है, देख ले, इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ द फूड, ठीक है, अंडरस्टैंड? या फिर वॉटर की बात करें तो ये भी यही करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी कुल मिला के इफ समबडी आस्किंग टू यू क्या रफेज और वाटर हमें एनर्जी देते हैं, नो दे आर नॉट गिविंग अस एनर्जी, वो हमें एनर्जी नहीं देते, बट वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वाटर को आप कूलेंट भी कह सकते हो, कूलेंट, ये हमारी बॉडी को कूल डाउन करता है, इज दैट क्लियर? यानी हमारा जो टेम्परेचर मेंटेनिंग है, बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन? वाटर, इज दैट क्लियर? तो एज ए कूलेंट इसका यूज होता है, ये डाइजेशन में स्पेशली हेल्प करते हैं, जो भी वेस्ट रिमूवल है बॉडी से उसको जल्दी से रिमूव कर देते हैं, और ये फाइबर जो होते हैं वो भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसमें आप फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स वगैरह, जो रो वेजिटेबल्स होते हैं, कच्चे फल, ठीक है, सॉरी कच्ची सब्जियां, वो खा सकते हैं एज ए सलाद की फॉर्म में। उसके बाद आते हैं मिनरल्स, तो मिनरल्स में देखिए कौन कौन से होते हैं। मिनरल्स में एक आयोडीन है, ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस है, अंडरस्टैंड? ये कुछ मिनरल्स हैं आपके, कैल्शियम है। इसलिए जरूरी है, देखिए ओवरऑल जो मिनरल्स होते हैं बेटा वो हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, बॉडी की मसल्स को, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं। जैसे आयरन आपका जो एक मिनरल है, इसकी कमी से एनीमिया भी हो जाता है, ठीक है? तो मिनरल्स ऑल ओवर क्या करते हैं, मिनरल्स हमारे बोन्स को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इज इट क्लियर? और हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है बॉडी में, जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनकी रेट को एनहांस करते हैं। इनहांस करने का मतलब है कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी में प्रॉपर टाइम से होती रहेगी, इज इट क्लियर? अब कुछ है जैसे कैल्शियम है तो बोन्स के लिए जरूरी है कैल्शियम, अंडरस्टैंड? स्ट्रॉन्ग बोन्स और मसल्स के लिए जरूरी है। फॉस्फोरस सेम एज है, आयोडीन मेटाबॉलिक रेट को एनहांस करता है। आयरन की कमी से ग्रॉ हो जाता है जिसको बोलते हैं एनीमिया, ठीक है ना? ये स्पेशली क्या करता है, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर आयरन नहीं होगा हमारी बॉडी में तो उससे क्या होगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और उससे एनीमिया एक बीमारी हो जाएगी जिसमें बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, इज दैट क्लियर बेटा? तो ये कुछ मिनरल्स थे, अंडरस्टैंड? इनके सोर्सेज हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, एक बार पूरी टेबल में आपको बना के बताऊंगी कि किसके क्या सोर्सेज हैं, हमें क्या खाना चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। हैव ए गुड डे।